शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। ২০২১ में लहसुन की कीमतें पहले ठीक देखने को मिली थी। इस वजह से किसानों ने अच्छे दाम की उम्मीद में अपना लहसुन स्टॉक कर लिया था और 6,000 से 7,000 का भाव मिलने पर भी बिकवाली नहीं की थी। इस दौरान लहसुन का उत्पादन भी काफी देखने को मिला था। फिर कोविड से लॉकडाउन लगा था जिससे किसान अपने लहसुन की बिकवाली नहीं कर पाए थे। जब मंडियां खुली तो मंडियों में आवकों का प्रेशर इतना जोरदार देखने को मिला कि जो दाम किसानों को स्टॉक करने से पहले मिल रहे थे उनके आधे भी नहीं मिले और किसानों को उनकी लागत भी नहीं मिल पाई। फिर जनवरी में नया लहसुन आ गया जिससे कीमतें और गिर गई। पुराने लहसुन की आवक लगभग फरवरी तक खत्म हो जाएगी। मार्च से लहसुन की मांग और आपूर्ति काफी महत्वपूर्ण रहेगी। मार्च से लहसुन की मांग में कुछ सुधार हो सकता है, लहसुन की इंडस्ट्रियल मांग निकल सकती है। आचार इंडस्ट्री, डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री और मसाला इंडस्ट्री से लहसुन की डिमांड निकल सकती है। अभी थोड़ी ठंड है जिससे लहसुन को सूखने में थोड़ा समय लगता है और इसका प्रभाव कीमतों पर भी पड़ता है। मार्च में जैसे ही थोड़ी गर्मी का मौसम देखा जाएगा, लहसुन की डिमांड उठती दिखाई देगी। आवकें भी मंडियों में इस समय ज़्यादा देखने को मिलेंगी जिससे कीमतों में कुछ दिनों के लिए गिरावट भी बनेगी, लेकिन इस दौरान स्टॉकिस्ट भी सक्रिय हो जाएंगे और लिवाली बढ़ जाएगी जिससे कीमतों को सपोर्ट भी मिलता दिखाई देगा। जानकारों के अनुसार आगे लहसुन में कुछ तेजी बनती नजर आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लिस, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।